सबको लगता है संडे रेस्ट डे, पर संडे रेस्ट डे कतई ही नहीं होता भाई, कतई ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है संडे रेस्ट डे। ये सबसे बड़ा भ्रम है लोगों के अंदर, संडे आपका मोस्ट वर्किंग डे। अभी बज रहे हैं सवा छः और इतनी सुबह जल्दी उठ के कहाँ जाना यार, आज वैसे भी संडे तो पड़े रहो घर में। बस आज उठूँगा 8-9 बजे से पहले नहीं उठने वाला मैं, और तो सोना है मुझे अच्छे से। आप लोग भी सो, जय श्री राधे। जय श्री राधे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और वैसे यार आपने सोचे कि संडे को जरा खूब मजे से मस्त रहेंगे, आराम से सो के उठेंगे, ये तमाम वाम काम है। मैंने भी सोचा था बहुत लेट तक सोता रहूंगा, मैंने सोचा 9 बजे तक सोऊंगा, पर यार 9 से पहले ही उठेंगे। मैं तो कितने बजे उठा, मैं करीब 7:30 बजे के आसपास उठिए नींद उड़ गई, लेकिन फिर भी मैं रेगुलर डेज में जितना सोता हूँ उससे ज्यादा ही सो के ज्यादा आया हूँ मैं आज तो। खैर अच्छा भी है, चलो आधे काम कर लिए हमने, झाड़ू पोछा हो गया है, ये जूते शूज वगैरह थे वो धो दिए मैंने, अब रह गए केवल बेडशीट धोने के लिए, तो बाथरूम में अभी धोते हैं, इसका भी नंबर लगाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे बाद में। कभी कभी तो यार कौन उड़ाएगी, कभी कभी तो लगता है एक वॉशिंग मशीन खरीद लो, खरीदने को तो यार आज ही खरीद लूंगा मैं। प्रॉब्लम ये है कि यार स्पेस नहीं है मेरे यहाँ आंगन में, उसे रूम में तो रखूंगा नहीं, कि यहाँ बेडरूम के पास यहाँ रख दिया, कहीं रख दिया, वो रखी जाएगी तो आंगन में रखी जाएगी, बाथरूम में रखी जाएगी, बाथरूम में छोटा और आंगन भी है बहुत छोटा, तो उतना स्पेस है ही नहीं कि वहाँ पर वॉशिंग मशीन एक ला के रखी जा सके। और कोई सॉल्यूशन मेरे समझ में आ नहीं रहा है, तो फिलहाल तो अभी तो हाथ से ही काम चलाना पड़ता है कपड़े धोने के लिए, दो चार कपड़े होते हैं यार फिर भी, लेकिन हालत तो खराब होती ही होती है। सोचो हमारे मम्मी लोग कैसे धोते होंगे, उनके टाइम में तो वॉशिंग मशीन भी नहीं थी और पूरे घर के धोते थे, हमारे मम्मी अपने पापा के सबके धोते। और एक मुझे यार सबसे बड़ा लगता है कि संडे, संडे को लेके एक सबसे बड़ा डाउट है इंसान के अंदर, सबसे बड़ा डाउट नहीं होगा, सबसे बड़ा ये कहूँगा मिसकॉन्सेप्ट है कि संडे है रेस्ट डे आपका। सबको लगता है संडे है रेस्ट डे, पर संडे रेस्ट डे कतई ही नहीं होता भाई, कतई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है संडे रेस्ट डे। ये सबसे बड़ा भ्रम है लोगों के अंदर, संडे आपका मोस्ट वर्किंग डे, आपके छोटे मोटे घर के बाहर के जितने भी काम होंगे ना आपको संडे को ही निपटाने हैं सारे, और आपको लगता है संडे है रेस्ट डे, कुछ नहीं साला, घंटे भर का भी आराम नहीं कर पाओगे संडे को। चलो बाल्टी भर गई, अब नहाते हैं धोते हैं जल्दी से, फिर कुछ करेंगे नाश्ता पानी, मिलते हैं आपसे बाद में। मिर्ची आज मैंने पूरा अपना ब्रेकफास्ट तो स्किप कर दिया, डायरेक्ट लंच ही कर रहे हैं, और लंच में आपको तो पता है मुझे मिर्च कितनी अच्छी, कुछ हो ना हो सैलेड में पर मेरे पास होनी चाहिए मिर्च खाने के लिए, टीवी होंगे मैं कह रहा टीवी क्यों नहीं देता, तो पहले खाना वाना खा लेता हूँ। आज वैसे खाने में है सेव टमाटर नू सब्जी और रोटलो, राजस्थान में ऐसे कहते हैं ना, राजस्थानी ऐसे कहते हैं सेव टमाटर नू सब्जी और रोटलो। यार कपड़े वपड़े देखें सूखे नहीं सूखे अभी तक, आज वैसे धूप तो नहीं निकल रही, हल्के हल्के बादल से छाए हुए हैं, अभी टाइम लग गया सूखने, पर हो सकता है बेडशीट सूख गई हो और शर्ट सूख गई हो, जींस तो नहीं सूखी अभी, बेडशीट तो सूख गई, जींस नहीं सूखी, शर्ट सूख गई, शर्ट की कॉलर इंपॉर्टेंट है वही थोड़ा टाइम लगाते हैं, बाकी तो सब सूख गया, जीन्स तो भी थोड़ी मोटी है यार तो टाइम लगेगा उसे और सूखने में। चरण चरण तेरे तूने मेरे जाना
कभी नहीं जाना, आगे नहीं गाना, नहीं तो स्ट्राइक आ जाएगा। बात तो सही है, आप इंडियन आइडल में आ सकते, नहीं इंडियन आइडल सॉरी, आप मुंबई आ सकते हैं। मुंबई आने से कौन रोकने वाला है? चलिए यहाँ कपड़े प्रेस कर ले, आज बेड पर बैठ के नहीं कर रहा, नीचे बैठ के ही करता हूँ, क्योंकि बेड बेड का आपको पता है बेड कभी भी टूट सकता है। आने वाले 24 से 48 घंटे बेड के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मतलब नुकसानदायक है। मेरा बेड है, पाए देख रहे हैं उसके कितने ज्यादा तेरे दिख रहे हैं, दिख रहे ना आप लोगों को, बस ये जाने वाला किसी भी दिन जा सकता है, किसी भी दिन। एक दिन ऐसे मैं लेटूंगा ऐसे करके बैठूंगा या भड़ाक सो ये नीचे गिरेगा, उसी दिन सही करवाएंगे। मैं सोच रहा हूँ ये पूरे गिरेगा तभी सही कर रहा हूँ, फालतू में अभी सिर्फ लाके क्या करना। तुम्हें तो पता ही है हम इंडियंस कैसे होते हैं। आप लोगों ने वैसे नोटिस किया है जो न्यूज एंकर होते हैं वो कितने ड्रामेटिक वे में बोलते हैं भाई, एक नॉर्मल सी बात होगी ना उसको इतना ड्रामेटिकली बोलते हैं वो, पूछो मत। ये देखिए इस निर्दयी पापी इंसान को कैसे इन सॉफ्ट सॉफ्ट कपड़ों पे गरम गरम स्त्री चिपका रहा है। जरा सी भी दया नहीं है इसके अंदर, हाथ नहीं कांपते इसके जरा से भी। न्यूज एंकर होना चाहिए, नहीं बहुत डिफिकल्ट जॉब है यार उनका भी, ऐसा नहीं। जहां भी आपको ये दरिंदा दिखे तो प्लीज इसके साथ एक सेल्फी लें और पोस्ट करें अपने सोशल मीडिया पे, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू यूज हैशटैग सरकारी लड़का 07। अपने चैनल का प्रमोशन तो करना पड़ेगा ना भाई। श्री राधे, थोड़ी देर सो भी लिया, आधे घंटे के आसपास नींद भी ले ली, अब उठते हैं यार, थोड़ा वर्कआउट वगैरह करते हैं जरा। आप सोच रहे हो वर्कआउट कैसे करने लग गया? मतलब हल्का सा वर्कआउट करूंगा, 10-15 मिनट का, ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट का, जो भी घर पे करिए जाने, घर पे किए जाने वाले जो भी एक्सरसाइजेस हैं वो कर लिया करेंगे, जैसे कि प्लैंक हो गया या डिप्स हो गई या क्रंचेस हो गए, स्क्वाट्स हो गए, ये आप घर पे भी लगा सकते हो और लगाने भी चाहिए आपको, और ज्यादा टाइम लगता है आप सोचोगे इसमें एक घंटा चाहिए आधा घंटा चाहिए, नहीं केवल 10 से 15 मिनट चाहिए, वो हर किसी के पास होता है, हर इंसान निकाल सकता है, मैनेज कर सकता है इतना टाइम तो, और जो नहीं निकालना ना वो केवल एक एक्सक्यूज दे रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहा। तो मैं भी लगा रहा हूँ, गाने लगा यार, म्यूजिक सुनेंगे अच्छे, थोड़ा मोटिवेशनल सॉन्ग्स लगा के, फिर मेरे मोटिवेशनल सॉन्ग्स अलग होते हैं, लोग सुनते हैं आरंभ है प्रचंड और ये वो तमाम चीजें, मेरे अलग गाने सुनते हैं, मैं अपने हेडफोन लगा के चलता हूँ ना जिम में भी जाता हूँ, तो मैं अलग ही सुनता हूँ कुछ ऊट पटांग से। मेरी प्लेलिस्ट खतरनाक है। मैं सुनता हूँ थोड़े से सैड सॉन्ग। सही होता हूँ तो भाई मजा आ गया, कुछ बोलो। मुझे लगा कम से कम 10 मिनट एक्सरसाइज किए और 10 मिनट में आप करीब 7-8 एक्सरसाइजेज होती हैं जिनको आप रिपीट पर रिपीट करते हो, 15 से 20 सेकंड का एक गैप लेके बीच में, हर एक्सरसाइज के बीच में 15 से 20 सेकंड का एक रेस्ट टाइम पीरियड होता है वो आप लेते हो, उसके बाद फिर एक्सरसाइज, फिर रेस्ट, फिर एक्सरसाइज, फिर रेस्ट, फिर एक्सरसाइज, इस तरीके से, और बहुत इफेक्टिव भी है ये, सही बता रहा हूँ, उसमें आपकी कैलोरीज भी अच्छी खासी बर्न हो जाती है। जो लोग अगर जिम नहीं जाते हैं तो वो घर पे ही एक्सरसाइज कर सकते हैं, इससे भी वेट लॉस बहुत इजीली हो जाता है और जल्दी ही हो जाता है, इजीली तो नहीं कहूँगा, एक तरीके से इजीली तो रॉन्ग वर्ड हो गया, इजी तो कुछ भी नहीं है, एफर्ट्स लगते हैं भाई, और सबसे पहले आपके अपने मन को बनाना पड़ेगा कि एक्सरसाइज करनी है मुझे, वरना तो कुछ नहीं होने वाला। प्रभु मज़ा आ गया। अरे यार अभी अभी क्या था, ये बाइक का वायर टूट गया, मीटर वाला वायर लग रहा है मुझे, ब्रेक का तो नहीं है, ब्रेक का तो उस साइड है, तो ये मीटर का वायर है, ब्रेक का तो ये रहा, ब्रेक का तो सही है, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले बाइक की सर्विस करवा के आया हूँ, तब भी वो मतलब सर्विस वाला बोल रहा था कि भैया धुआं छोड़ रही है गाड़ी आपकी, तो मैंने पूछा कितने रुपये लगेंगे, कितना लगेंगे, 3000 के आसपास। एक मोटा खर्चा बता दिया उसने,
कि भैया 3,000 लगेंगे और कुछ रिंग्स वगैरह होती हैं वो लगेंगी डलेंगी। हाँ ठीक है फिर बाद में कराएंगे, अभी फिलहाल नहीं करवाएंगे, अभी जल्दी है, जब तक चलाते शांति से। चलिए फिर इस ब्लॉग की एंडिंग आज हम ये कर देते हैं। अगर आपको आज का हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन, एंड इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे हम फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।